मैं चाहूंगा कि आप लोग उसका उत्तर दें। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल बताया था कि आर्टिकल क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स। बेसिकली आर्टिकल्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आपने विशेषण के प्रकार पढ़े होंगे, उसमें एक संकेतवाचक विशेषण भी होता है। तो आर्टिकल्स उसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं जो संकेत करते हैं किसी भी चीज के लिए, जिसके पहले वो लगाए जाते हैं उसकी ओर संकेत करते हैं। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चयवाचक, किसी निश्चित या विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर जो इशारा करते हैं उन्हें डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक आर्टिकल्स जो कल हमने जिन पे चर्चा करी थी वो होते हैं ए और एन। और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, यानी किसी स्पेशल पर्सन या प्लेस या थिंग, मतलब कोई भी वस्तु हो उसकी जानकारी नहीं मिलती। एक जनरल प्रोस्पेक्ट में जो ये आदमी के या किसी स्थान की या किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो ए का प्रयोग होता है या एन का प्रयोग होता है। अच्छा बच्चों, ए और एन के प्रयोग का जो निर्धारण करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि उसमें मुख्य चीज हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, हमें उसमें आंखों का उपयोग करना चाहिए कि कानों का उपयोग करना चाहिए। कौन बच्चा बताएगा ए और एन के निर्धारण में किस चीज का उपयोग होता है? बताइए, माइक बताइए। हेलो, कानों का सर। वेरी गुड, शाबाश। कानों का उपयोग करना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर सुनने से ही पता चलता है कि सर स्वर है कि व्यंजन है। अरे वाह, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? ललित मित्तल। और कौन से स्कूल से हैं आप? मुरार ग्वालियर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शाबाश। और ये तो आपने बता दिया कि ए और एन के जो उपयोग होता है उसमें हमें आंखों के से ज्यादा कान पे भरोसा करना चाहिए। उससे पहले आगे हम बढ़ते हैं तो एक चीज आपको समझ लेना है कि आर्टिकल का सामान्य रूप से नाउन या एडजेक्टिव के पहले होता है। एडजेक्टिव का जो स्थान है वो नाउन या एडजेक्टिव के पहले होता है। कई बार नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, जैसे आपको उदाहरण में बताया है, आई सॉ अ जैकॉल इन द फील्ड, नेहा बॉट एन अम्ब्रेला, दिस इज अ लेजी डॉग, दे लिव इन अ बिग हाउस। तो पहले जो दो उदाहरण है उसमें हमने एडजेक्टिव, ये आर्टिकल किसके सामने रखा है? नाउन के सामने। और तीसरे और चौथे नंबर के जो उदाहरण है उसमें हमने आर्टिकल को एडजेक्टिव के सामने रखा है। तो एडजेक्टिव का आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन या एडजेक्टिव के पहले होता है। एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों कि कई बार नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब आता है, एडवर्ब जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव को भी और मॉडिफाई करता है। जैसे आप एक उदाहरण देखें, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहां पर बॉय नाउन हो गया, बॉय के पहले गुड एडजेक्टिव हो गया, और गुड को जो और वेरीफाई कर रहा है, उसके जो और मॉडिफाई कर रहा है वेरी, ये एडवर्ब हो गया। तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा पहले होता है, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। अगर तीनों है तो तीनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। फिर जैसा कि ललित ने बताया था, फिर उस चीज पे हम आते हैं कि ए और एन के उपयोग का निर्धारण शब्द अक्षर को ये देखने की अपेक्षा उनके उच्चारण की ध्वनि के आधार पर किया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात, जब भी आपको ये एक्सरसाइज मिले या आपको बोलना पड़े कि ए लगाया जाएगा या एन लगाया जाएगा, तो आप क्या देखना नहीं है, आपको सुनना है कि वो शब्द और अक्षर की ध्वनि स्वर की बन रही है या व्यंजन की बन रही है। ए का उपयोग जिन शब्दों की ध्वनि व्यंजन की यानी कंसोनेंट से शुरू होती है उनके पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ए मैन, ए डॉग, ए हाउस, ए पेन।
या आपने देखा मैन की ध्वनि म से बन रही है, डॉग की ध्वनि ड से बन रही है, हाउस की ध्वनि अ से बन रही है, पेन की ध्वनि प से बन रही है। तो म ड ह प ये सब क्या है, व्यंजन है। तो चूंकि इनकी ध्वनि व्यंजन से बन रही है, कंसोनेंट से बन रही है, इसलिए पहले हम इनके ए का प्रयोग करेंगे। अच्छा बच्चों, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले का अक्षर जो होता है वो वॉवल होता है, स्वर होता है, लेकिन उनके पहले भी ए लगाया जाता है। कोई बच्चा बताएगा कि ऐसा क्यों है? कौन बताएगा? अथनेल, बैतूल, कोई बच्चा बताएगा कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका पहला अक्षर एक वॉवल होता है, एक स्वर होता है, लेकिन फिर भी उनके पहले ए लगाया जाता है, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? अथनेल, बैतूल, कोई बच्चा बता पाएगा? आपके यहाँ माइक की फैसिलिटी है? हेलो, हेलो, इसका जवाब चाहिए मुझे। बोलना, हेलो, हेलो, हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बस। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अपाली पटले। अच्छा बेटा, आप ये बताइए, अभी मैंने आपसे पूछा कि कई शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका पहला अक्षर स्वर का होता है, वॉवल होता है, लेकिन फिर भी उनके आगे ए लगाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके उनके बोलने पर व्यंजन सबसे पहले आता है, उनकी जो ध्वनि है वो व्यंजन की बनती है। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है उत्तर तुम्हारा, बैठ जाओ, थैंक यू। तो बच्चों, जैसा कि अभी बिटिया ने बताया कि जिन शब्दों के आगे स्वर आता है, वोवल आता है, लेकिन उसके आगे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका जो उच्चारण की ध्वनि है वो कंसोनेंट की बनती है, व्यंजन की बनती है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आप उदाहरण देख रहे हैं, यूरोपियन, तो यहाँ पर ये यूरोपियन का जो पहला अक्षर है वो ई है, लेकिन इसका उच्चारण यूरोपियन नहीं है, ई से नहीं बन रहा बल्कि यू से बन रहा है, तो यू तो व्यंजन होता है, इसलिए हम कहते हैं अ यूरोपियन। इसी तरह अगला शब्द देखें, वो भी उसकी शुरुआत भी यू अक्षर से हो रही है, यू वॉवल है, लेकिन उसका जो ध्वनि है, उच्चारण की ध्वनि किससे बन रही है? यूनियन, य, इसलिए इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। अगला शब्द है यूनिवर्सिटी, इसमें भी यू होते हुए भी इसकी ध्वनि य से बन रही है, व्यंजन से बन रही है, इसलिए इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। और अगला देखें, वन, उसके आगे भी ओ लगा हुआ है और ओ तो स्वर है लेकिन इसकी ध्वनि किससे बन रही है? वन, वन बोलते हैं ना ओ एन ई को, तो वन व से ध्वनि शुरू हो रही है, व चूंकि व्यंजन है इसलिए इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। सबको समझ में आ गई ये चीज? हाथ उठा के बताएं, ये चीज सबको क्लियर हो गई है? वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। अब बच्चों, कई शब्द हैं जिनकी शुरुआत W या Y से होती है। बच्चों, W और Y सेमी वोवल्स कहलाते हैं। सेमी वोवल्स इसलिए कहलाते हैं कि इनका जो उच्चारण है वो स्वर का भी होता है और व्यंजन का भी होता है, और इनकी खासियत ये रहती है जब W या Y किसी शब्द के पहले आते हैं तो इनका उच्चारण व्यंजन का बनता है, और जब ये किसी शब्द के आखिर में इनका प्रयोग किया जाता है तो इनका उच्चारण स्वर का हो जाता है। जैसे विंडो, विंडो के पहले भी W आता है और आखिर में भी W आता है ना, लेकिन जो पहला और जो आखिरी में W आ रहा है उसका चरण क्या बन रहा है? ओ, विंडो, ठीक है ना। तो W और Y सेमी वोवल्स कहलाते हैं क्योंकि इनका उपयोग, इनका जो स्वर है वो स्वर, इनकी जो ध्वनि है वो स्वर की भी बनती है और व्यंजन की भी बनती है। तो जब भी किसी शब्द की W या Y से होती है तो उसकी शुरुआती ध्वनि जो है हमेशा व्यंजन की बनती है, इसलिए W और Y से शुरू होने वाले शब्दों के आगे हम
ए ही लगाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको दिया है, पहला अक्षर है वीक यानी सप्ताह, अब यहां पर डब्ल्यू लगा है और इसका चरण किससे शुरू हो रहा है, व से, इसलिए हमने इसके आगे ए लगाया है। दूसरा अक्षर विंडो, यहां पर भी इसका शुरुआती अक्षर डब्ल्यू है और इसकी ध्वनि व्यंजन की बन रही है, इसलिए इसके आगे भी हमने ए लगाया है, अ विंडो। अगला शब्द देखें यार्ड, यार्ड वाई ए आर डी, इसकी ध्वनि किसकी बन रही है, य की, और यह भी व्यंजन है इसलिए इसके आगे भी ए लगाया है। अच्छा, कल बच्चों मैंने आपको एक विशेष रूप से बताया था, ईयर के आगे हमने ए लगाया है तो ईयर का उच्चारण ई से शुरू होता है कि य से, ई का उच्चारण ई से ईयर है कि ईयर है, कौन बच्चा बताएगा? ईयर के आगे हमने ए लगाया है, हाँ बरघाट सिवनी बताए, बरघाट सिवनी से। अब बच्चे बगल वालों को माइक दे दो, आप पीछे, ठीक है। अब बेटा पहले नाम बताइए अपना। हेलो, हाँ बेटा नाम बताइए। दीक्षा बिसेन। अच्छा बेटा, दीक्षा बेटा बताइए आप कि ईयर के आगे ए का प्रयोग क्यों हो रहा है? सर इसका उच्चारण ई से होता है। ना बेटा, ई से अगर होता तो अपन एन लगाते, मैंने अभी आपको क्या बताया था, वाई ई ए आर, तो वाई और डब्ल्यू जब शुरू में होते हैं तो इसका उच्चारण ई है कि यह है? यस। आप यस बोलते हैं ना, यस की स्पेलिंग क्या है, यस की स्पेलिंग क्या है, वाई ई एस, वेरी गुड। और इसमें उच्चारण कैसा बन रहा है, यह बन रहा है ना? यस सर। इसी तरह बेटा यर जो है वाई ई ए आर, उसका उच्चारण ई से नहीं बनता है, य से बनता है, लेकिन य के साथ ई की मात्रा लगती है इसलिए ई हमें सुनाई देता है, लेकिन वो य कहलाता है, तो या पे चूंकि उच्चारण है इसलिए हम ईयर के आगे ए लगाते हैं, ठीक है? अच्छा बेटा, वेरी गुड, बैठ जाइए। अब बच्चों यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग जैसे हम अभी तक बताते आ रहे हैं, जिन शब्दों का उच्चारण वोवल से होता है, स्वर से होता है, उसके आगे हम एन लगाते हैं, ठीक है ना? जैसे उदाहरण दिया गया है नीचे, एन आंट, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन इंच, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। तो जितने भी ये शब्द हैं जिनके आगे एन लगा हुआ है, आप एक एक करके उसको देख लीजिए। आंट, उच्चारण की ध्वनि क्या बन रही है, ए। ऑरेंज, उच्चारण की ध्वनि ओ। एप्पल, उच्चारण की ध्वनि ए। इंच ई। अम्ब्रेला अ। एलिफेंट ए। तो जितने भी ये शब्द हैं जिनके आगे हमने एन लगाया है, इन सबके उच्चारण की ध्वनि स्वर की बनती है, वोवल की बनती है, इसलिए इसके आगे हमने एन लगाया है। अब बच्चों नीचे जो उदाहरण दिए हैं आप देखें, आर और ऑनेस्ट मैन, ये दोनों शब्द एच से शुरू होते हैं, एच तो कंसोनेंट होता है ना, व्यंजन होता है एच, लेकिन इसके आगे हमने एन लगाया है, कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों किया हमने? और कोई, सिवनी के बच्चे तो बराबर हाथ उठा रहे हैं, और कोई स्कूल का बच्चा बताए, बैतूल, अथनेर, बैतूल आप बताएंगे, अथनेर बैतूल। हेलो सर। हाँ बेटा, अच्छा आपने तो जवाब दिया है, चलिए फिर बता दीजिए। क्योंकि बोलने जैसे कि हावर आवर बोलते हैं। शाबाश, उसको उसकी शुरुआती ध्वनि ह से नहीं होती बल्कि अ से होती है, तो उसको आर बोलते हैं, इसलिए उसके आगे क्या आता है, एन। और ऑनेस्ट की ध्वनि, एच ओ एन ई एस की ध्वनि किससे बनती है, ओ से, ऑनेस्ट। वेरी गुड, तो एच होते हुए भी चूंकि एच साइलेंट रहता है, उसकी ध्वनि ऑनेस्ट ओ से बनती है, ओ स्वर है, इसलिए उसके आगे एन लगाया है। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू।
तो बच्चों ये मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ध्वनि के ऊपर ही ए और एन का प्रयोग होता है और यही नियम हम एब्रीविएशन पे भी लागू करते हैं। एब्रीविएशन सब समझते हैं, एब्रीविएशन यानी किसी भी बड़े का संक्षिप्त रूप। तो संक्षिप्त रूप में भी हम कभी कभी बात करते हैं तो उसमें भी यही नियम लागू करता है कि एब्रीविएशन में जो अक्षर बोले जाते हैं तो कितने भी अक्षर हो उस एब्रीविएशन में, लेकिन एब्रीविएशन का जो पहला अक्षर है उसकी ध्वनि अगर स्वर की बनती है तो हम एन लगाते हैं और व्यंजन की बनती है तो ए लगाते हैं। एक बार फिर हम उदाहरण देख लेते हैं, माई ब्रदर इज एन एन ए, यहाँ पर एन की ध्वनि अ से बन रही है इसलिए इसके आगे एन लगाया। हिज सिस्टर इज अ सी ए, यहाँ पर सी ए में सी की ध्वनि स से बन रही है, व्यंजन से बन रही है इसलिए इसके आगे ए लगाया। इंडिया इज अ यू एन ओ मेंबर, यू एन ओ यहाँ फिर से यू की जो ध्वनि है वो य की बन रही है इसलिए इसके आगे ए लगाया। मिस्टर तेजा इज एन एन आर आई, एन आर आई एन की ध्वनि अ से बन रही है एन इसलिए इसके आगे एन लगाया गया, एन एन आर आई। हर अंकल इज अ वी आई पी, वी आई पी की ध्वनि वी की ध्वनि व से बन रही है इसलिए इसके आगे ई लगाया। फिर मैंने आपको कल बताया था कि यदि इन एब्रीविएशन का जो ये छोटा रूप है संक्षिप्त रूप है जब हम बड़े रूप से लिखते हैं, जब हम फुल फॉर्म में इसको लिखते हैं तब हमें ये देखना होता है कि उस फुल फॉर्म का उसका जो विस्तृत रूप है बड़ा रूप जो है उसका पहला शब्द उसकी ध्वनि किसकी बन रही है और उस ध्वनि के हिसाब से ही हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो आपको बड़े रूप दिखाए गए हैं, मास्टर इन आर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो आप देखिए इन सब की ध्वनि व्यंजन की बनती है, कंसोनेंट की बन रही है इसलिए सबके आगे ये लगाया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक रिकैप हो गया, हमने एक रिविजन कर लिया, कल हमने ए और एन की जानकारी ली थी। अब हम आएंगे डेफिनेट आर्टिकल द पे। अभी मैंने आपको बताया था कि द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं द को? द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? बैतूल, कोई बच्चा बताएगा? हेलो सर। हाँ बेटा। सर द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह नाउन की निश्चितता को दर्शाता है। शाबाश। ए और एन भी नाउन के आगे लगाए जाते हैं उसको संकेत करते हैं। बैठ जाइए बेटा। लेकिन थैंक यू सर। लेकिन ए और एन सामान्य रूप से किसी भी नाउन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं, डेफिनेट मतलब एक निश्चित, क्योंकि द उन्हीं नाउन्स के आगे लगाया जाता है जो विशेष होते हैं या जिनके खास होते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब हम आज द के बारे में, द के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। द के उपयोग कब कब होते हैं देखें। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बात हो, जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बात हो, जब कोई खास हो। ठीक है, मान लो मैं भोपाल की चर्चा कर रहा हूं, भोपाल का नाम तो आपने सब सुना होगा, भोपाल शहर का नाम सुना है, तो भोपाल की क्या खासियत है, भोपाल की खासियत क्या है? मुझे सारे जवाब बरघाट सिवनी से ही मिल रहे हैं और किसी दूसरे स्कूल से जवाब नहीं मिल रहे हैं। और दूसरे स्कूल में अगर माई है तो बताएं। हेलो। हाँ बेटा। यस सर। हाँ बोलिए, नाम बताएं। सर पूर्वा विसेन। हाँ बताइए। सर क्योंकि वो कैपिटल है मध्य प्रदेश का। वेरी गुड, जैसे कि आप बता रहे हैं अपूर्वा ने कि भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। बैठ जाइए बेटा, सिट डाउन। वेरी गुड, तो ये भोपाल की विशेषता है, एक विशेष महत्व क्या है भोपाल का कि कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश।
भोपाल की राजधानी, तो ये खास बात हुई कि नहीं हुई? हर शहर तो भोपाल की राजधानी नहीं है। तो जब भी हम भोपाल के शहर के रूप में बात करेंगे तो वो कैपिटल है मध्य प्रदेश की। इसलिए देखें, पहला उदाहरण हमने दिया है आपको, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश मतलब ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश की कई राजधानियां हैं तो भोपाल भी उनमें से एक है। भाई राजधानी तो किसी भी स्टेट की एक ही होती है, तो ये खासियत हुई, विशेषता हुई, इसलिए इसके आगे हमने द का प्रयोग किया। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री है वो विशेषता है कि नहीं है, विशेष व्यक्ति है कि नहीं? भारत के प्रधानमंत्री का पद विशेष पद है, खास पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसलिए उसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बात करते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा है, हो सकता है मिस्टर सिंह हो, मिस्टर शर्मा हो, या जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, वो विशेष व्यक्ति हुए कि नहीं हुए? स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो स्कूल का प्रमुख होता है, तो स्कूल का प्रमुख खास हुआ कि नहीं हुआ, विशेष हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल के आगे द लगाएंगे। मिस्टर वर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल। बच्चों आप लोग लेटर लिखते हैं, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं आपके टेस्ट में आता है तो आपने देखा होगा द प्रिंसिपल लिखा जाता है, ठीक है ना? आप जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसके आगे द प्रिंसिपल आता है, क्योंकि प्रिंसिपल प्रमुख है, विशेष है, तो उसके आगे हम ए प्रिंसिपल नहीं लिख सकते कभी भी, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल लिख के हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों पहला जो द का उपयोग है ध्यान रखिएगा, द का प्रयोग किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जब बात होती है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। द का प्रयोग होता है जब किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बात हो जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। कई बार आपको पैराग्राफ आता है, आपको तीन चार वाक्य आते हैं और उसमें आपको आर्टिकल्स भरने के लिए दिए जाते हैं, तो बच्चों ये इस पर जरूर गौर करिए। पहला उल्लेख जब किसी का होता है तो वो हमारे लिए अनजान होता है, लेकिन जब दूसरी बार उसी व्यक्ति का या उसी वस्तु का या उसी स्थान का उल्लेख होता है, हम चर्चा करते हैं, तो वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमारे लिए अनजान नहीं रहती, क्योंकि उसका उल्लेख पहले हो चुका होता है। तो जब दोबारा उल्लेख होता है तो वो हमारे लिए परिचित हो जाती है, वो जगह, वो व्यक्ति, वो स्थान हमारे लिए परिचित हो जाता है, तो दोबारा जब उल्लेख होता है उसका तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाक्यों में आप स्पष्ट है, ध्यान दें, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वाक्य, हाथ उठाएं, जो उदाहरण दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, पहला वाक्य दिया है अ डॉग रैन आफ्टर अ बॉय। अ डॉग रैन आफ्टर अ बॉय, मैं वाक्य अपनी बात कर रहा हूं कि एक कुत्ता एक लड़के के पीछे भागा। ये पहली बार चर्चा कर रहे हैं तो कोई भी कुत्ता हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। दोबारा मैंने वाक्य लिखा द डॉग बिट द बॉय, कुत्ते ने लड़के को काटा। अब पहली बार तो मैंने चर्चा करी कोई भी कुत्ता हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन जब दोबारा मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं दोबारा उसी कुत्ते की चर्चा कर रहा हूं जो लड़के के पीछे भागा, और उसी लड़के की चर्चा कर रहा हूं जिसके पीछे कुत्ता भागा। तो दोबारा जब मैं उसकी बात कर रहा हूं तो वो कुत्ता और वो लड़का अब मेरे लिए अनजान नहीं है, मैं उससे परिचित हो चुका हूं, और सामने वाला भी समझ चुका है कि मैं किस कुत्ते की या किस लड़के की बात कर रहा हूं। तो दोबारा जब उसकी चर्चा होगी तो उसके आगे आएगा द डॉग बिट द बॉय, ठीक है ना? इसी तरह देखें दूसरा वाक्य, अ बॉय एंटर्ड अ हाउस, यानी एक लड़के ने एक घर में प्रवेश किया। तो कोई भी लड़का हो सकता है, आपको नहीं मालूम मैं किस लड़के की चर्चा कर रहा हूं और आपको नहीं मालूम कि किस घर की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा अ बॉय एंटर्ड अ हाउस, इन द हाउस लिव्ड अ टीचर। अब दोबारा जो दूसरे वाक्य में घर की चर्चा हो रही है और टीचर की चर्चा हो रही है, लेकिन घर की चर्चा तो मैं पहले कर चुका हूं, टीचर की चर्चा पहली बार कर रहा हूं,
इसलिए घर के आगे द लगेगा और टीचर की चर्चा क्योंकि पहली बार हो रही है इसलिए उनके आगे ए लगेगा। फिर अगला वाक्य है द टीचर टॉट द बॉय। अब टीचर की चूंकि दोबारा चर्चा हो रही है तो आप जानते हैं मैं किस टीचर की चर्चा कर रहा हूं, जो उस घर में रहते हैं। तो ये टीचर अब हमारे लिए अनजान नहीं है, तो जो टीचर घर में रहते हैं वो उस लड़के को पढ़ाते हैं। लड़का भी आपके लिए परिचित है क्योंकि वो उसी लड़के की बात कर रहा हूं जो घर में जिसने प्रवेश किया। की बताया गया है जब किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का उल्लेख जब दोबारा किया जाता है जो हमारे लिए परिचित हो जाता है तो दोबारा उल्लेख करने पे उसके आगे द लगता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, हाथ उठाए, ये चीज क्लियर हो गई, वेरी गुड। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसी एक्सरसाइज हम आगे करेंगे, अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का दोबारा उल्लेख होता है, चर्चा होती है तो उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। बच्चों एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है ना, प्रथम स्तर, तुलनात्मक स्तर और सर्वोच्च स्तर। तो एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे क्लेवरेस्ट, हॉटेस्ट, बेस्ट, मोस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री है तो उनके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा तो एकमात्र ही होगा, ठीक है ना, तो इसलिए उसके आगे द का प्रयोग हो रहा है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके आगे भी हमने द का प्रयोग किया है। राजू इज द टॉलेस्ट इन अवर फैमिली, राजू हमारे परिवार में सबसे लंबा है, सबसे लंबा है इसलिए इसके आगे द का प्रयोग हुआ। टुडे इज द कोल्डेस्ट डे, आज सबसे ठंडा दिन है, तो द के उपयोग का यह भी एक नियम है कि जब भी हम किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके आगे हमेशा द आता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप जब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की एक्सरसाइज है उसमें भी आप इस, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है, यदि खाली स्थान के आगे द लिखा हुआ है और आपको कहा जाता है पुट द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि खाली स्थान के आगे द है इसलिए आप उसमें क्या भरेंगे, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। ठीक है, तो ये भी एक हिंट है कि जब भी आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव किसी खाली स्थान में भरनी है और उसके पहले द है खाली स्थान के पहले, तो खाली स्थान में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये भी देखें, कई बार हम बोलते हैं ना शेर जंगल का राजा है, तो शेर जंगल का राजा है जब हम बोलते हैं तो वो केवल एक शेर पे बात लागू नहीं होती, वो समस्त शेर, दुनिया के सारे शेरों पे बात लागू होती है और सभी जंगल पे बात लागू होती है, और शेर को हम जंगल का राजा एक सामान्य तौर पे पूरी शेर प्रजाति के ऊपर लागू करके बताते हैं। तो जब किसी नाउन से अथवा है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, मतलब जो भी हम नाउन ले रहे हैं या एडजेक्टिव ले रहे हैं वो उस श्रेणी के, उस वर्ग के सभी लोगों पे, सभी उस जाति पे लागू होती है, उस प्रजाति पे लागू होती है, तब हम उसके पहले द का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिया है द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा होता है, तो ये हमने पूरी प्रजाति पे, शेर की पूरी प्रजाति पे, उस जाति पे लागू किया है इसलिए हम इसको द लगाकर कहेंगे। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, आप कहते हैं ना अमीर हमेशा खुश नहीं रहते, तो किसी एक अमीर की बात नहीं हो रही यहां पर, ये हम सामान्य रूप से जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, तो हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पैसा, हर खुशी पैसा से ही मिलती है, तो कई बार ये बोला जाता है कि अमीर हमेशा खुश नहीं रहते। तो ये जो अमीर शब्द है वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन यहां पर ये अमीर को हमने पूरी
अमीर लोगों की श्रेणी के ऊपर लागू किया है। अमीर को अंग्रेजी में कहते हैं रिच, तो इसलिए हम कहते हैं द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो चूंकि यह दुनिया के हर अमीर पर यह बात लागू है, तो इसलिए हमने रिच के आगे द लगाया है। तीसरा देखें, द विनर्स आर ऑलवेज ऑनर्ड, जो विजेता होते हैं उनका हमेशा मान होता है, उनका हमेशा सम्मान होता है। तो विनर्स, आप किसी भी चीज में जीते, चाहे आप अपनी पढ़ाई में टॉप करें, खेल कूद में टॉप करें, किसी क्विज कंपटीशन में टॉप करें, किसी गाने के कंपटीशन में टॉप करें, जीते उसको, तो आप विनर ही कहलाएंगे। तो जितने भी विजेता हैं उस श्रेणी के लोगों पे ये लागू होता है कि उनका हमेशा सम्मान होता है। तो इसलिए जब भी इस तरह से पूरे प्रजाति के लिए, उस पूरे वर्ग के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल होता है, तब उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई सबको? जब मैं पूछा करूं तो हाथ उठा दिया करिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यह बात आप तक पहुंच गई है, आपको स्पष्ट हो गई है। गुड, वेरी गुड। वैसे द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले, यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसके पहले नहीं होता है सामान्य रूप से। जैसे मेरा नाम राहुल है तो द राहुल नहीं बोलेंगे, या मैं भोपाल में रहता हूं तो द भोपाल नहीं बोला जाता। मतलब सामान्य रूप से व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, मतलब प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, उनके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अपवाद स्वरूप कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें द का प्रयोग प्रॉपर नाउन्स के पहले होता है। आइए उसको देख लेते हैं कि द का प्रयोग हम और कहां कहां कर सकते हैं। नदी, सागर यानी समुद्र, महासागर, पहाड़ों की श्रृंखला, रेगिस्तान, मौसम आदि के पहले द का प्रयोग होता है। बच्चों ये ध्यान रखिए, पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की, जैसे हिमालय है, हिमालय पहाड़ों की श्रृंखला है, और माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ का नाम है, कंचनजंगा एक पहाड़ का नाम है। तो हम हिमालय के आगे तो द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक बार फिर इसको ध्यान से देख लें, कोई नदी है उसके नाम के आगे, कोई समुद्र है, सागर है उसके नाम के आगे, कोई महासागर है उसके नाम के पहले, पहाड़ों की श्रृंखला के पहले, रेगिस्तान, डेजर्ट या मौसम, इनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आपको दो नदी, पहला उदाहरण देखें, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं, तो इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। इसी तरह सागर, महासागर, ओशन, महासागर को अंग्रेजी में ओशन कहते हैं। हिंद महासागर होता है ना, ऐसे ही प्रशांत महासागर भी होता है, तो महासागर को अंग्रेजी में ओशन कहते हैं। तो ओशन के आगे भी द लगता है, जैसे द पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है ना, तो द पैसिफिक ओशन और द इंडियन ओशन। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, पहाड़ों की श्रृंखला के आगे द लगता है, द हिमालयाज, द एल्प्स। हिमालयाज तो मालूम है आपको, हिमालय श्रृंखला तो भारत में है, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहां सब इतनी लंबी श्रृंखला फैली हुई है। और द एल्प्स, ये बेटा यूरोप में है, जो एल्प है ये भी बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी, बहुत बड़ी पहाड़ों की श्रृंखला है, ये फ्रांस, आपने देश का नाम सुना होगा, उधर है ये, तो इसके आगे भी द लगेगा, द हिमालयाज, द एल्प्स। अब नीचे दो रेगिस्तानों के नाम है, थार, थार रेगिस्तान भारत में है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा, राजस्थान की, जो बहुत बड़ा, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, तो इसके भी हम जब बोलेंगे तो द लगाएंगे, द थार। और सहारा, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है, ये भी विश्व का तीसरे सबसे नंबर का रेगिस्तान है, तो इसके आगे भी हमने द लगाया है, द थार, द सहारा। इसी तरह मौसम, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, समर, विंटर, तो इनके भी जब लिखा जाता है या बोला जाता है तो इनके आगे भी हम द लगाते हैं, द समर, द विंटर। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे देखते हैं।
पौराणिक धार्मिक आदि ग्रंथों एवं समाचार पत्रों के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, या जो बड़े समाचार पत्र होते हैं उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, ये तो धार्मिक ग्रंथ हो गए। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स, आपने पेपर का नाम सुना होगा, अंग्रेजी का बहुत मशहूर अखबार है। द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी बहुत मशहूर अखबार है, तो इनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। प्रसिद्ध इमारतें हैं या स्मारक हैं, जो हमारे प्रसिद्ध स्मारक इमारत हैं, स्मारक हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ताजमहल तो सब आपने देखा ही होगा, किसी ने पास जाके देखा होगा, कई लोगों ने चित्र में देखा होगा। तो द ताजमहल, ताजमहल के आगे भी द लगेगा। फिर लाल किला दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, तो द रेड फोर्ट। उसके बाद आपने चाइना की दीवार के बारे में सुना होगा, सुना है आपने चाइना की दीवार के बारे में, बहुत लंबी दीवार है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्मारक है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्मारक है, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो इसके आगे भी हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना करके लिखेंगे या बोलेंगे, ठीक है ना। तो द का उपयोग प्रसिद्ध इमारतों, स्मारकों और के आगे भी किया जाता है। अगला देखें, कई बार हम कहते हैं अकबर महान, या वीर शिवाजी, या जॉर्ज पंचम बोलते हैं ना, आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जब प्रॉपर नाउन, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है, उसकी खासियत बताने वाला जो शब्द है, उसे आगे भी हम द लगा के उल्लेख करते हैं। जैसे अकबर महान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अकबर द ग्रेट, ठीक है। वीर शिवाजी को बोलेंगे हम शिवाजी द ब्रेव। जॉर्ज पंचम को हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, जॉर्ज द फिफ्थ, क्योंकि जैसे अकबर महान, महान उसकी है, शिवाजी वीर, शिवाजी की वीरता की गाथा सब जानते हैं, सबने पढ़ी है, सुनी है, तो उनके आगे जुड़ गया है, शिवाजी की विशेषता बन गई है। तो जब भी हम अंग्रेजी में शिवाजी का उल्लेख करेंगे तो शिवाजी द ब्रेव। और जॉर्ज पंचम, उनके बारे में पढ़ा जाता है, इतिहास में पढ़ाया जाता है, तो पंचम उनकी पहचान बन गई है। तो हम अंग्रेजी में जब भी लिखेंगे तो जॉर्ज द फिफ्थ, क्लियर हो गया। अब सौर मंडल की जो आकृतियां हैं, मतलब यूनिवर्सल बॉडीज, जो डिवाइन बॉडीज हैं, उनके आगे और दिशाओं के आगे, जो हमारे डायरेक्शंस हैं, उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। सौर मंडल की आकृतियां जैसे सूरज, चंद्रमा, धरती, तारे, तो ये सौर मंडल की जो डिवाइन बॉडीज हैं, यूनिवर्सल बॉडीज जो हैं, तो कॉस्मोस जो है हमारा, तो उसमें जो हमारे को दिखता है उनके आगे भी हम द लगाते हैं। और जो दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इनके आगे भी द लगा के इनका उल्लेख किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ, द स्काई, ये तो सौर मंडल की आकृतियां हो गई। फिर दिशाएं, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ठीक है। तो सौर मंडल की आकृतियों या दिशाएं, अगर इनका उल्लेख हम करते हैं तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। अच्छा बच्चों, अब यहां पर एक चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। वैसे तो आपने देखा कि द एक ही शब्द है, और भले ही किसी शब्द का जो कंसोनेंट है आगे या वॉवल है, लेकिन द का प्रयोग एक ही होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं, लिखने में तो द का एक ही शब्द रहता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो द को दो रूप से बोला जाता है,
कई बार द बोला जाता है और कई बार दी बोला जाता है, कई बार द और कई बार दी। अब हम आपको बताएंगे कि जब बोलते समय कब द का उच्चारण द के रूप में होता है और कब थी यानी द का उच्चारण दी के रूप में होता है। तो यहां पर भी वो कंसोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि और वाउल साउंड यानी स्वर की ध्वनि मायने रखती है। जिन शब्दों की ध्वनि व्यंजन से शुरू होती है, जैसे कि हमने ए और एन के उसमें देख लिया है, समझ लिया है, तो बोलने में दा के लिए भी वो नियम लागू होता है। जिन शब्दों की ध्वनि व्यंजन की या कंसोनेंट की होती है उनके आगे उच्चारण द का थी का द होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपके उदाहरण के रूप में दिया गया है हाउस मैन सिटी, हाउस का जो ध्वनि बन रही है ह की बन रही है तो इसलिए द हाउस बोलेंगे, मैन की म से बन रही है इसलिए द मैन बोलेंगे, सिटी की स से बन रही है इसलिए द सिटी बोलेंगे। लेकिन जिन शब्दों का उच्चारण, जिन शब्दों के उच्चारण की ध्वनि वोवल से बनती है, स्वर से बनती है, तो उनके आगे टीएचई का जो उच्चारण है वो दी हो जाता है, तब हम दा नहीं बोलते, तब बोलते समय उसको दी कहेंगे। जैसे आपको नीचे उदाहरण बताए हैं एप्पल एग आइसक्रीम, एप्पल का उच्चारण किसका बन रहा है, स्वर का अ, एग का उच्चारण किसका बन रहा है, अ का एग, और आइसक्रीम का भी आई से बन रहा है। तो ये नीचे जो आपको तीन शब्द दिए गए हैं इन तीनों का उच्चारण स्वर का बनता है, इसलिए इनके आगे जब टीएचई लगता है तो उसकी उसका उच्चारण दी हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, दी एप्पल, दी एग, दी आइसक्रीम। क्लियर हो गया। तो ये एक दा की खासियत है कि लिखते समय तो एक ही शब्द है लेकिन जब हम बोलते हैं तो जब कंसोनेंट वाले ध्वनि वाले शब्द होते हैं तो द बोलते हैं और जब वोवल यानी स्वर की ध्वनि वाले शब्द होते हैं तब हम उसको दी उच्चारित करते हैं। इज दैट क्लियर, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है, हाथ उठा के मुझे बता दीजिए। गुना, गुना के बच्चे बताएं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर इस संबंध में किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछें। ए एन और दा के संबंध में, आर्टिकल्स के संबंध में यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दे कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हरदा से बच्चे पूछना चाह रहे हैं क्या? अगर माइक है तो पूछिए। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और कोई, हरदा की आवाज क्लियर नहीं हो रही है, और कहीं से बच्चे पूछना चाह रहे हैं? एमपीएस जबलपुर, एमपीएस जबलपुर, बच्चे लोगों अभी इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, अभी आप जाइए नहीं, अभी ये लेसन खत्म नहीं हुआ है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ आता है, और इस बार हम दा भी इंक्लूड करेंगे एक्सरसाइज में, आपके एग्जाम में वो लाभकारी रहेगा। तो शैल वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करें, हाथ उठा के बताएं, मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं फिर। ओके, चूज द करेक्ट डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल द, ए और एन। चूज मतलब चुनना, अब हमें जो खाली स्थान दिए हैं उसमें हमें सही आर्टिकल ए एन और द, मतलब अब दोनों आर्टिकल्स द
डेफिनेट और दोनों इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल्स अब हम चुनाव करना है तो उसको देखें। ये हरदा के बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेटा आपके टीचर नहीं है या क्लास में, इसमें थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ये सामने बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं हरदा, चलिए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आई बॉट डैश पेयर ऑफ शूज, कोई बता सकता है इसमें पहले क्या आएगा? पहले जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या आएगा? बच्चों आपको यह भी बताना है क्या आएगा और क्यों आएगा। हाँ बरघाट सिवनी, आज सारे उत्तर हमें आपसे ही मिले हैं। हेलो हाँ बोलिए बेटा, पहले वाले उदाहरण में क्या आएगा? आई बॉट डैश पेयर ऑफ शूज, आपकी आवाज में ए आएगा। क्यों आएगा बेटा ए? सर क्योंकि उसका उच्चारण पहले व्यंजन से हो रहा है। कौन से व्यंजन से हो रहा है? सर प। वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। I bought a pair of shoes. क्योंकि खाली स्थान के बाद जो शब्द है pair, pair यानी जोड़ा, तो pair का जो उच्चारण की ध्वनि बन रही है प से, क्योंकि व्यंजन की ध्वनि बन रही है इसलिए इसके आगे ए आएगा। I saw dash movie last night. मैंने पिछली रात पिक्चर देखी। बैतूल, बैतूल आपके पास माइक है क्या? अगर माइक है तो जवाब दीजिए। दूसरे वाले में कौन सा आर्टिकल आएगा? अपने बैतूल। बच्चों लोगों क्या ध्यान दें, अपने बैतूल। दूसरा जो एक्सरसाइज है, आई सॉ डैश मूवी लास्ट नाइट, तो खाली स्थान में कौन सा आर्टिकल आएगा? और कोई स्कूल? रतलाम, आप तक मेरी आवाज आ रही है? एमपीएस रतलाम जवाब दे पाएंगे? माइक है रतलाम, आपके पास माइक है? हेलो सर। हेलो सर, सर सेकेंड वाले में दा आएगा। नहीं बेटा, मैंने कल रात एक पिक्चर देखी। अब जब मैं दोबारा उस पिक्चर की बात करूंगा, उसकी स्टोरी बताऊंगा, तब मैं दा लगाऊंगा। अभी तो मैंने यही बताया ना, मैं कल रात एक पिक्चर देखी। सर दा आए। I saw सर आएगा। I saw a movie last night. फिर मैं जब दोबारा उस पिक्चर की चर्चा करूंगा कि मैंने कौन सी पिक्चर देखी है, उसमें क्या था, कौन हीरो था, उसकी स्टोरी क्या थी, तब मैं दा करके बात करूंगा, है ना? है ना? Yes, sir. बैठो बेटा। दे आर स्टेइंग डैश होटल, तीसरे नंबर पे। सर कहां से बोल रहे हैं बेटा आप? सांची। हाँ क्या नाम है आपका? सर रामकृष्ण यादव। रामकृष्ण बेटा बोलिए, क्या आएगा तीसरे वाले में? सर ए। क्यों आएगा ए? सर क्योंकि वो सर होटल व्यंजन है एच। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। क्योंकि होटल का उच्चारण ह से होता है और ह व्यंजन है, इसलिए वी आर स्टेइंग एट अ होटल। वेरी गुड। अब बच्चों चौथा बताइए, सोच समझ के बताइएगा। लुक एट डैश वुमेन ओवर देयर, शी इज अ फेमस एक्ट्रेस, इसमें क्या आएगा? चौथे वाले में क्या आएगा? जरा सोच समझ के विचार करके बताइए। लुक कहां से बोल रहे हैं बेटा?
सर मुराद हाँ मुराद बताइए क्या आएगा दा क्यों आएगा दा कोई अगर वो फेमस एक्टर है वेरी गुड शाबाश आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बिल्कुल ठीक उत्तर है बेटा वेरी गुड आपका नाम बताएं देवेश नरवरिया बहुत अच्छे बेटा देवेश वेरी गुड लुक एट द वुमेन मैं एक खास महिला की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ लुक एट दैट वुमेन और उस महिला की खासियत क्या है कि वो बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट्रेस है बहुत ही प्रसिद्ध अदाकारा है तो पहले से उससे परिचय है और वो खास है विशेष है इसलिए हम उसके आगे द लगाएंगे बिल्कुल ठीक बेटा वेरी गुड पांचवा देखें दैट इज डैश गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट इसमें क्या आएगा दैट इज डैश गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट ये आएगा ये वो लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था अब बताओ हेलो हाँ बेटा बोलो ता आएगा इसमें ता आएगा आपका नाम क्या है राजेंद्र अर्जुन की राजेंद्र अर्जुन अर्जुन ओके ओके हाँ बेटा आपने बिल्कुल ठीक बताया ता आएगा क्यों आएगा ता क्योंकि ये एक लड़की के बारे में गई सामने बैठी हुई उस लड़की के बारे से आप बोलो बेटा उसको ध्यान से पढ़ो दैट इज द गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट टोल्ड मतलब इसके बारे में बताया मैंने बताया था तो उस ये वही लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आती है या जो बहुत अच्छा गाती है तो जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे आई टोल्ड यू अबाउट मतलब जिसके बारे में मैंने बताया था तो जब बताया था तो इसके उसी दोबारा चर्चा हो रही है ना उस लड़की की तो इसके आगे आएगा ठीक है ना बेटा वेरी गुड बेटा छठवा डैश सन राइजेस डैश ईस्ट ये तो आसान है अच्छा हाँ कौन बताएगा नाम बताइए अपना सर, सर, नाम बताए अपना सर मुरार गवाली है बेटा अपना नाम बताइए ललित मित्तल हाँ ललित जी बताइए इसमें आएगा द सन राइज इन द ईस्ट द सन राइज नहीं बेटा द सन राइजेज राइजेज इन द ईस्ट वेरी गुड शाबाश बिल्कुल ठीक क्योंकि सन हमारे एक आपको बताया था कि ये हमारी यूनिवर्सल बॉडी है और ईस्ट दिशा है तो इसलिए दोनों के आगे न लगाए द सन राइजेज इन द ईस्ट वेरी गुड कुछ वाक्य और करते हैं हम अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे डैश नाइट इज क्वाइट लेट्स टेक अ वॉक बड़ी शांत रात है चलिए घूमने चलते हैं डैश नाइट इज क्वाइट लेट्स टेक अ वॉक इसमें क्या है दा कहां से बोल रहे हैं बेटा आप तिवारी वेरी गुड क्या नाम है बेटा आपका पवन क्या नाम बताया पवन पवन वेरी गुड बेटा पवन क्यों आएगा दा व्यंजन है नहीं बेटा दा के साथ तो ऐसा कोई समस्या नहीं है द क्यों लगाया जा रहा है ए एन और द के स्थान पर मतलब उसमें से द क्यों चुना आपने नाइट इसलिए ठीक बोला है आपने बिल्कुल ठीक बोला है यहाँ पर द ही आएगा लेकिन क्यों आएगा नाइट देखिए रात तो रोजाना आती है हर सुबह के बाद रात आती है लेकिन मैं ये विशेष रात की बात कर रहा हूँ जो शांत है और इस रात को मैं घूमने की बात कर रहा हूँ चलो घूमने चलते हैं कई बार रात बड़ी शांत होती है चांदनी रात होती है तो अब मन करता है ना थोड़ा टहलाएं विशेष रात की बात हो रही है रात की बात हो रही है कि ये रात बड़ी शांत है चलो घूमने चलते हैं तो यहाँ पर दा ही आएगा द नाइट इज क्वाइट लेट्स टेक अ वॉक ठीक है वेरी गुड बैठिए आठवां I read dash amazing story yesterday. आएगा कहाँ से बोल रहे हैं बेटा आप सर मुरार गवाली है इसमें क्या आएगा सर दा दो? नहीं बेटा आश्चर्यजनक या विचित्र कहानियां तो बहुत होती हैं मैंने एक बहुत ही विचित्र कहानी या बहुत ही आश्चर्यजनक कहानी पढ़ी ऐसे ही बोलते हैं ना पर कि मैंने एक बहुत बढ़िया कहानी पढ़ी है ना आएगा सर एन क्यों आएगा सर क्योंकि सर ये अमेजिंग उसका जो उच्चारण स्वर से है
वेरी गुड. अ से बन रहा है ना, स्वर से बन रहा है, वेरी गुड. इसलिए आएगा आई रेड एन अमेजिंग स्टोरी यस्टरडे. वेरी गुड. अब नवा देखिए, इसमें दो खाली स्थान है. आई लिव इन डैश अपार्टमेंट. डैश अपार्टमेंट इज न्यू. अपार्टमेंट मतलब मालूम है, जो छोटा फ्लैट रहता है, छोटा जो घर रहता है उसको अपार्टमेंट बोलते हैं. जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहती है उसमें जो अपार्टमेंट रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट रहते हैं, वो अपार्टमेंट उसे कहते हैं. तो इसमें क्या आएगा, पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा? हेलो हेलो. हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सिमरनी. हाँ बोलिए. सर, आई लिव इन इन एन अपार्टमेंट. दी अपार्टमेंट इज न्यू. पहले में एन क्यों लगाया, दूसरे में द क्यों लगाया? यस सर. पहले में आपने एन क्यों लगाया और दूसरे में द क्यों लगाया? सर, उसका उच्चारण सर से हो रहा है, इसलिए उसमें एन लगाया और उसका उच्चारण दो लगाया. क्यों लगाया आपने? क्योंकि उसका उपयोग दोबारा हुआ इसलिए. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. शाबाश, बिल्कुल ठीक उत्तर आपका. पहली बार हम पहले ही चर्चा कर रहे हैं अपार्टमेंट. हमने पहली बार चर्चा करी है कि मैं कहाँ रहता हूँ. मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, ठीक है ना? बैठ जाइए बेटा, सिट डाउन. वेरी गुड. तो पहली बार जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर ए और एन का प्रयोग होगा. तो चूंकि अपार्टमेंट का उच्चारण स्वर का बनता है, ध्वनि स्वर की बनती है, इसलिए इसके आगे हम एन लगाएंगे. अब हम उसी अपार्टमेंट की चर्चा दोबारा कर रहे हैं कि हम उस अपार्टमेंट की विशेषता बता रहे हैं. तब चूंकि दोबारा उस अपार्टमेंट की चर्चा हो रही है तो अपार्टमेंट हमारे लिए अब नया नहीं है, अनजान नहीं है. तो द अपार्टमेंट इज न्यू. तो जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूं वो नया है, इसलिए दोबारा उसके आगे द लगाएंगे. वेरी गुड. दसवां देखें. आई वुड लाइक डैश पीस ऑफ केक. मैं केक का एक टुकड़ा लेना पसंद करूंगा. आई वुड लाइक डैश पीस ऑफ केक. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर, इसमें ए आएगा. क्यों आएगा ए? सर, क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन पीस. पीस का उच्चारण प से हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इसके आगे ए लगाएंगे. बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड बेटा, सिट डाउन. आई वुड लाइक अ पीस ऑफ केक. अब ग्यारहवां देखें बच्चों, इसमें भी दो खाली स्थान है. आई वॉज इन डैश चाइनीज रेस्टोरेंट. आई वॉज इन डैश चाइनीज रेस्टोरेंट. डैश रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड. इसका मतलब हुआ कि मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में था, उस चाइनीज रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है. अब सिवनी के अलावा मैं चाह रहा हूं कि कोई और भी बताए. गुना, एमपीएस गुना, गुना से कोई बताएगा? माइक है आपके पास? कई बच्चे हैं वहां पर, बच्चों की संख्या अच्छी है. मैं चाहता हूं कोई जवाब दे. और कोई स्कूल? सतना, रामनगर सतना, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अगर माइक है तो जवाब दीजिए. हेलो हेलो हेलो. कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? मुलताई बैतूल. हेलो सर. सर कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मुलताई से. हाँ बोलिए, क्या नाम बेटा आपका? सर जी नाम बताएं पहले. सर जी भवनेश धोटे. अच्छा भवनेश, बताएं बेटा क्या आएगा? सर जी ए. पहले ए आएगा, बिल्कुल ठीक. चाइनीज, च से शुरुआत हो रही है, इसलिए आई वॉज इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट. और दूसरे में? सर जी द. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बेटा. वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया. मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ कि मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट में था. अब मैंने चाइनीज रेस्टोरेंट की चर्चा कर दी, अब उसकी खासियत बता रहा हूँ मैं. तो दोबारा चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए दोबारा जब चर्चा करूंगा तो द आएगा. आई वाज इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट. द रेस्टोरेंट वाज सर्व्ड गुड फूड. ठीक है, अब हम अगला देखेंगे. ये तो आसान है, सबको आना चाहिए. वी वेंट टू सी डैश ताजमहल. सर जी द. हम ताजमहल देखने गए. वेरी गुड.
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। हम ताजमहल देखने गए, वी वेंट टू सी द ताजमहल। तो बच्चों मुझे आप लोगों के उत्तर सुन के बड़ी खुशी हुई, सभी ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिए, और मैं ये मान के चलता हूं कि आर्टिकल्स का प्रयोग आपको करना आ गया है, समझ में आ गया है। अभी जिसको कोई डाउट है तो वो पूछ लेता है, पूछ सकता है। यदि अभी भी किसी को संशय है आर्टिकल के प्रयोग में तो वो पूछ सकता है। अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है तो हाथ उठा के इशारा करें, संकेत करें, अगर अच्छी तरह समझ में आ गया है आर्टिकल। और बच्चों आपके टीचर्स आपके स्कूल में हैं जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, पूरे साल आपके साथ रहते हैं। यदि अभी भी कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से उसको जरूर क्लियर कर लें। जब भी यदि कई जगह माइक की प्रॉब्लम है, माइक से बात नहीं हो पा रही है, यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं स्कूल में उनसे अपना संशय जरूर दूर करें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और कल ईद है। मैं आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। अच्छा बच्चों, बाय एंड टेक केयर।